लोकसभा चुनाव 2024 में सत्तारूढ़ एनडीए पार्टी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हुई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद काफी सुर्खियों में रहे थे। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस में फिर से भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे संस्करण को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। कांग्रेस अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा संस्करण आयोजित करने की सोच में है। सूत्रों के मुताबिक ये यात्रा इस बार पूर्वी राज्यों से होकर पश्चिम की ओर जाएगी। कहा जा रहा है कि अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि ये यात्रा चुनावी तैयारियों से ध्यान भटका सकती है। बता दें कि कांग्रेस के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल के आखिरी में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा 12 राज्यों से होकर जम्मू कश्मीर में समाप्त हुई थी, जिसमें 136 दिनों में लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। फिलहाल कांग्रेस दूसरी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर काफी चर्चा में है, हालांकि इसकी तारीखों पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी भारत जोड़ो यात्रा पैदल मार्च के बजाय हाइब्रिड मोड में होगी, लेकिन ये कहां से शुरू होगी इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। पिछले महीने अगस्त में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने संवाददाताओं से इस यात्रा को लेकर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात के पोरबंदर से शुरू होगी, जो मेघालय में जाकर समाप्त होगी। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जा रहा था कि ये यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू की जाएगी, जो गुजरात के पोरबंदर से शुरू होकर पूर्वी राज्य मेघालय में समाप्त होगी। हालांकि सूत्रों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा को 1 दिसंबर से शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए इस पर 16 और 17 सितंबर को हैदराबाद में होने वाली नवगठित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पहली बैठक में चर्चा होने की संभावना है। वही आपको बता दे, अभी 7 सितंबर को कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ मनाई थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर 7 सितंबर को राजधानी जयपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों पर शाम 5 बजे से 6 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने पैदल यात्रा निकाली थी। शुक्रिया।